देवास जिले के बागली विकासखंड आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद भी यहां बागली मुख्यालय पर एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है। वहीं पर्याप्त डॉक्टर न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को उपचार के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बागली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में मात्र 2 महिला डॉक्टर ही पदस्थ है। बता दें कि डॉक्टर विष्णु लता उइके के पास BMO का भी प्रभार होने के कारण वह अधिकतर समय फील्ड पर या विभागीय कार्य में व्यस्त रहने के कारण अपनी सेवा मरीजों को नहीं दे पाती है। कुछ दिन पहले राजनीति के चलते डॉक्टर हेमंत पटेल का तबादला सोन कच्छ हो जाने के बाद बागली की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। लगभग 150 से 200 पेशेंट प्रतिदिन यहां पर उपचार के लिए आते हैं, जिसमें 70% महिलाएं रहती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागली पर 20 से 25 किलोमीटर दूर स्थित गाँव से उपचार के लिए महिलाएं आती है, लेकिन यहां पर पर्याप्त डॉक्टर न होने के कारण उन्हें घंटों इंतजार कर परेशान होना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां की समस्या से क्षेत्र के विधायक एवं सांसद अवगत नहीं है, लेकिन वह भी इस समस्या को हल करने से दूर भागते नजर आ रहे हैं। जन प्रतिनिधियों ने भी यहां की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने का आज तक प्रयास नहीं किया है। उसी के कारण यहां की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। विगत दिनों क्षेत्र की जनता ने भी बागली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। क्या समस्या आ रही है आपको? भैया यहाँ पे हम इलाज करवाने के लिए भाभी को लेके आए तो अभी तक हमारा नंबर नहीं लगा, 2 घंटे हो गए हमको काफी यहाँ पे। समय से उपचार नहीं मिल रहा? हाँ, समय से उपचार हो रहा है। यहाँ पे पहली बात तो डॉक्टर ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कर्मा। कहाँ से आए हो? उपगाँव से। अगली स्वास्थ्य केंद्र की जो बात करते हैं, डॉक्टरों की काफी कमी नजर आ रही है, काफी पेशेंट परेशान होते हैं, तो क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? अभी वर्तमान में तो डॉक्टर रितु दावत लेडी डॉक्टर अभी पदस्थ हैं, और एक मैं CBMO के पद पर कार्यरत हूँ, जो मुझे फील्ड का काम भी करना है और यहाँ पर OPD भी देखनी पड़ रही है। क्या कितनी क्या कमी है डॉक्टरों की? क्या अभी डॉक्टर की तो यहाँ विशेषज्ञों की सारी कमी है, और मेडिकल ऑफिसर के 3 पद खाली हैं यहाँ पर, जो एक ही पद भरा हुआ है। काफ़ी महिलाओं की भीड़ काफ़ी रहती है? काफ़ी महिलाओं की भीड़ रहती है। कितने क्या पेशेंट एक दिन के यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं? यहाँ पर 180 150 ऐसे ही पेशेंट डेली आते हैं। यहाँ पर डॉक्टरों में की नियुक्ति होना चाहिए मतलब? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हो गई है यहाँ पर चिकित्सकों की नियुक्ति होना।